Fala da puri nani. आहे के ना मॉडल है छे ना कोटा बारहवें मॉडल बाकी गाड़ी ने मालिक ने ड्राइवर ने मालिक वाह जी वाह मालिक का सही है एक ऐसे मालिक ने अच्छा अच्छा और सब सेहत कैसी है खैरियत है किरे टाइम में जानी है ये जानी सेरा पिंडी जानी पिंडी जानी क्या ना जन्म लेते आप देख रहे हैं मोटर कार आपके गुलाम सवाजर है। आज मैं मौजूद हूँ कि लारी अड्डे पर अपने डडयाल शहर में बैक साइड आप देख सकते हैं यहाँ से गाड़ी जो है कोटली भी जाती है रावपिंडी जाती है और खाड़ियन टाइम जाती है। आज यहाँ गाड़ी में देखने आया हूँ टोटा आई एस लंडन मॉडल में आज वाली इसका रिव्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की गाड़ी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं बिना टाइम इसके बाद गाड़ी का रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है लारी अड्डा दिखाता हूँ यहाँ से जो कोटली और एफपिंडी जो गाड़ियाँ जाती हैं और यहाँ पर जो गाड़ियाँ कुछ देखते हैं कौन से बाईजान सेल्स करते हैं कौन से मॉडल हैं क्या क्या फ्यूचर हैं। तो चलते हैं बिना टाइम इसके बाद गाड़ी का रिव्यू। अगर आपको घर बैठे गाड़ी बेचनी हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इस नंबर पर आप अपनी गाड़ी की तस्वीर या वीडियो बनाकर बेच सकते हैं और गाड़ी की तस्वीरें कम से कम 5-6 होनी चाहिए और आपकी गाड़ी फ्री में एडवर्टाइज। जी नाज़रीन, इस टाइम मैं अभी मौजूद हूँ जी डडयाल अपने शहर में। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से फिर दाही रावलपिंडी सुहा दीना जेलम खाड़ियाँ जाती हैं, गाड़ियाँ बेशुमार से खड़ी हैं और मुतलिफ मुतलिफ इनके टाइम है। बाकी ये देख सकते हैं अभी ये कोटली जा रही है और नंबर वगैरह लगे हुए हैं, ये पिंडी जो जाती है इधर। बाकी इधर मुंशी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब क्या हाल है, सेहत कैसी है? अल्लाह ठीक ठाक जी, आप सुनाओ? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बाकी गड्डी आंदी ने कोनी आज? ये गड्डी आंदी भी ना। गई कोनी टाइम हाले? गड्डी बस टाइम में फोन लगान लगे। वाह जी वाह, केना मॉडल है कोई? मॉडल है ना 94 है। वाह जी वाह, कितना टाइम है सन गड्डियां रखियां? टाइम तकरीबन गड्डियां 82-83 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਲਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹਾਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿਤਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਬਦਲਾਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਕਨੇ ਰਿਆ ਕੋਣੇ ਨਾ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆਈ ਜਾਂ ਨਾ ਛੋੜਾ ਕਿੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਬੇਸੀ ਥਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਰੱਖੀ ਉਹ ਕੋਣ ਆਏ पिंडी जानी क्या ना जन्म लेते ठीक है माशाल्लाह जी गड्डी सोहनी है जी वाकई सुहा रंग है। बाकी रावलपिंडी नंबर भी है तो कहने भाई यार सेल करने कड़ी दसो सेल शौंकी हजरात रखी है शौंकी हजरात गड्डी बेचने नहीं तो अगला बंदा आई जाए तो कहने गड्डी बेचने नहीं शौंकी हजरात ठीक हो इसने बनाई रही है इसने मालिक क्या सी शौंकी हाथों रखी जी है चोई साहब क्या फिर मालिक दसी गड्डी ने 92 मॉडल जी ना आपने गाड़ी देखी होगी अड्डे में ये रावलपिंडी नंबर में खड़ी है। इसका भी रिव्यू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने हमें बुलाया था उसका गाड़ी का रिव्यू करते हैं। ये बैक सेटअप पर गाड़ी देख सकते हैं आज यदि इसका रिव्यू करेंगे। ये जो मॉडल है 1990 मॉडल है 5 का कोटा लाहौर नंबर में है। बैक सेटअप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत शानदार गाड़ी है गुड कंडीशन में है। शौंके हजरात ने रखी हुई है इसकी क्या मालिक होगी इसकी क्या फ्यूचर वगैरह होंगे कौन सा इंजन है और ये जापान है या लंदन है ये आपको पूरी वीडियो में मिली वीडियो वॉच करिएगा आपको इसकी जो मालिक बताएंगे जो गाड़ी के मालिक का नंबर है वो भी आपको दिया जाएगा। अभी ये गाड़ी जो है कोटली से आई है जी माशाल्लाह ये यहाँ पर लारी अड्डा है तो रिव्यू करते हैं। अभी ये जो गाड़ी है इसकी हाल ये बात है ये घर पर खड़ी रहती है और क्योंकि हजरात रखी हुई है आप जो है इसको सेल करना चाहते हैं तो चलते हैं गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गाड़ी का रिव्यू कराते हैं फ्रंट का। अभी मैं फ्रंट पर खड़ा हूँ ये फ्रंट का रिव्यू कर सकते हैं। ये जो मॉडल है 1990 मॉडल है 5 का कोटा ये फ्रंट की कंडीशन आप देख सकते हैं माशाल्लाह गुड कंडीशन में खड़ी है। अभी इसकी जो लेफ्ट साइड है लेफ्ट साइड पर मैं खड़ा हूँ ये देखें बहुत अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह ये फ्रंट का रिव्यू कर सकते हैं। इसकी जो मेन स्क्रीन है दरमियान से जो है लीक पड़ी हुई है स्क्रैच और डैमेज है थोड़ी सी। बाकी जो बॉडी की कंडीशन है वो बिल्कुल ओके है ये आप
आगे से इसकी जो शेप है, बम्पर वगैरह, ग्रिल वगैरह, जाली वगैरह देख सकते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी है, साफ़ है, गुड कंडीशन है, लाइट्स वगैरह देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है, और शारे वगैरह देख सकते हैं। ये इसकी मेन ग्रिल है जी, नीचे लाइट है, बम्पर वगैरह बिल्कुल ओके। ये आप देखें इसके फ्रंट का व्यू बिल्कुल साफ़ गाड़ी है। ये इसके जो मेन आगे मिरर है माशाल्लाह, और ये फ्रंट का व्यू है, बहुत अच्छी गाड़ी है। बाकी इसकी जो जी राइट साइड पर मैं खड़ा हूँ, फ्रंट क्लियर हो गई है, राइट साइड पर खड़ा हूँ, ये राइट साइड की कंडीशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मिरर वगैरह देख सकते हैं, बॉडी की कंडीशन बिल्कुल ओके। गाड़ी जो है जैसे आपको पता ही है 1999 मॉडल है, बाहर से तैयार की गई है और अच्छे पेंट की गई है। बाकी ये आप कंडीशन देख सकते हैं, बॉडी की बिल्कुल साफ़ है। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल साफ़ गाड़ी है, और पीछे से ये इसके शीशे वगैरह देख सकते हैं, छत वगैरह की कंडीशन देख सकते हैं, बॉडी की बिल्कुल साफ़ गाड़ी है। और ये देखें शौकिया हजरात ने रखी हुई है। नीचे आपको ये ग्रिल वगैरह मिलेंगे, पैप लगे हुए हैं माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी गाड़ी है जी। पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ, पीछे का रिव्यू पर आता हूँ। ये देखें ये पीछे का रिव्यू है जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी गाड़ी है शहजादी। ये आप देख सकते हैं बैक साइड की तरफ से, ये देखें लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं, ग्रिल वगैरह। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, वाह जी वाह क्या बात है जी। पीछे स्पॉइलर वगैरह लगा हुआ है, ये आप देखें माशाल्लाह, ये पीछे स्क्रीन बिल्कुल ओके, बैक पर खड़ा हूँ, लाइट वगैरह देख सकते हैं, ब्रेक लाइट बिल्कुल ओके। ये पीछे से ग्रिल वगैरह देख सकते हैं, 1999 मॉडल, 5 का कोटा। अभी जो है इसकी मैं लेफ्ट साइड पर खड़ा हूँ, बैक साइड की तरफ से, ये बैक साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ से देख सकते हैं आप। ये देखो ये देखिए बिल्कुल साफ गाड़ी है। छत की कंडीशन आपको दिखाते हैं बिल्कुल ओके। यहाँ पर मैं इसके जो लेफ्ट साइड टायर हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये टायरों की कंडीशन आप देख सकते हैं, न्यू टायर है, और ये इसके फ्रंट टायर हो गए जी, न्यू टायर। ये देखें ये नीचे से मोड़ी गार्ड, लासा के टायर लगे हुए हैं इसमें, और सिंपल रिम मिलेंगे जो जैन होते हैं, बाकी व्हील कप लगे हुए हैं, शौकिया हजरात ने रखी हुई है। गाड़ी का जो इंटीरियर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सील टू सील जैन वाल में हैंड विंडो मिलेंगी, इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। ये देखें बाकी ये अंदर की कंडीशन आप देख सकते हैं, सीटें वगैरह इसकी फ्रंट देख सकते हैं, गाड़ी जो है अपनी जैन हालत में है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये देखिए ये इसकी फ्रंट सीटें, ये मैड अंदर से कंडीशन देख सकते हैं आप, गियर वाला हिस्सा और सीटें वगैरह, ये इसकी फ्रंट सीटें जी। और डैशबोर्ड की बात की जाए तो A1 इसका डैशबोर्ड है, बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन। यहाँ पर आप इसका रिव्यू चेक कर सकते हैं। ये अंदर की कंडीशन है रूम की, अंदर से टचिंग की गई है गाड़ी बिल्कुल, ये देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। ये पीछे से रिव्यू कर सकते हैं आप, सीटें वगैरह देख सकते हैं, और बिल्कुल ओके। मुंडे इसके आप चेक कर सकते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। ये चेक करें जी डैशबोर्ड, आपको इसमें सिंपल टेप मिलेगी, और ये देख सकते हैं आगे इसका इंटीरियर डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल साफ, मैनुअल है, 250 cc है। जिन आदरी इंजन की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये प्लेट्स वगैरह देख सकते हैं जैनुअल लगी हुई हैं, और बैटरी इसमें न्यू डली हुई है। बैटरी खोल के आपको दिखाते हैं इसमें क्या कंडीशन है। ये देखें न्यू बैटरी इंस्टॉल की गई है AGS की। बाकी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, ये देखिए कंडीशन वगैरह। ड्राइवर की साइड की तरफ से दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं सील टू सील जैनुअल में गाड़ी, सीलू में हैंड विलो, हंडीर काफ़ी अच्छा लगा। ये इसका स्टीयरिंग है जी, मैन स्पीड मीटर आप वगैरह देख सकते हैं। ये देखें की स्टार्ट है, और ये इसके जो क्लच ब्रेक वगैरह देख सकते हैं, 86 नंबर आपको इसके में दिखाते हैं। तेन गाड़ी जो लेबॉरेटरी की गई है, ये इसके 86 नंबर गाड़ी लेबॉरेटरी हुई है। ये देखें एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें नीचे से भी दिखाता हूँ,
और ये टायर की कंडीशन न्यू टायर इसमें डले हुए हैं, बिल्कुल साफ गाड़ी नीचे से। इसकी चिमटों की कंडीशन देख सकते हैं नीचे से, आपको इसमें एक्स्ट्रा स्टफ नहीं मिलेगी। देखिए खोल के दिखाते हैं आपको इसमें क्या क्या कुछ मिलेगा। ये पीछे से डिगी है जी, आपको इसमें एक्स्ट्रा स्टफ नहीं स्पीकर वगैरह मिलेंगे। और ये पीछे की कंडीशन है, बाकी इसकी सीटें वगैरह देख सकते हैं कितनी है आप देख सकते हैं। छत वगैरह और इसके जो पिलर हैं मुंडे वो काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल साफ है। गाड़ी थोड़ी सी टचिंग है, बाकी गाड़ी जो है जर्मन में। ये आप देखें गाड़ी की कंडीशन, नीचे से फर्श की कंडीशन देख सकते हैं और सीटें वगैरह। ये रिव्यू हो गया जी, बाकी गाड़ी बिल्कुल ओके है। डोर खोल के दिखाते हैं आपको, ये देखें जी ये अंदर का रिव्यू है जी। सीटें वगैरह आप देख सकते हैं, ये जो बैक साइड ड्राइवर की होती है सीटें, ये वो इंजन की जगह जो होती है। नीचे फर्श वगैरह मैट वगैरह लगे हुए हैं, डले हुए हैं, और सीटें देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं। और ये देखें जी इसका रिव्यू अंदर से, बिल्कुल ओके। वाह जी, जग पाना आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा जी। ना जी ये अंदर का रिव्यू है, अंदर बैठ के इस तरह का रिव्यू नज़र आता है जी। वाह जी वाह क्या बात है। बाकी ये आप देख सकते हैं आपको इसमें सिंपल टेप मिलेगी। ये डैशबोर्ड वगैरह कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन है, गुड कंडीशन। ये इसके फ्रंट मिरर हो गए जी, काफ़ी अच्छे मिरर हैं इसके। और शौकिया हज़रात ने इसको जापान बनाई हुई है, ये देखें जी आगे का रिव्यू। ये देखें ये इसका फ्रंट मिरर, ये अंदर की कंडीशन। इसको स्टार्ट करते हैं, आपको इसकी जो वॉइस है वो सुनाते हैं क्या इसका साउंड है। बाकी ये की लगी है, ये स्टार्ट हो गई है जी। बाकी ये इसका साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, ये इसका साउंड है जी। एक्सीलेटर देते हैं, काफ़ी अच्छा साउंड है जी, ज़बरदस्त। पूरी बनानी जी। नादिन ने आपने गाड़ी देखी होगी, आपको मैंने इसका रिव्यू कराया 1999 मॉडल 5 का कोटा। इसकी जो मालियत है 15.5 लाख है, जो इसे खरीदेगा उसे मजीद कमी पेशी की जाएगी। जो रब्ता नंबर है वो आपको स्क्रीन पर शोर होंगे। अगर आपको गाड़ी की मजीद मालूमात चाहिए तो आपको इन नंबर पर मिल जाएगी। गाड़ी जो अपनी जन्म में कोई मैन एक्सीडेंट नहीं, बाकी पेंट की गई है बाहर से, अंदर से जो थोड़ी सी टचिंग की गई है। बाकी इंजन की बात की जाए तो 250 cc इंजन है इसका, डीजल में काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ये जो है लंदन मॉडल है, जापान जो है भाईजान ने शौकिया से बनाई थी, और इसकी जो असली जो कंडीशन है वो है लंदन मॉडल में 1995 का कोटा लाहौर नंबर में, काफ़ी खास इसके क्लियर है। अगर आपको गाड़ी की मज़ीद मालूमात चाहिए तो आपको इन नंबर मिल जाएगी। 15.5 इसकी डिमांड है, जो इसे लेगा उसे मज़ीद कमी पेशी की जाएगी। और ये खास बात यह है कि ये घर पर खड़ी गाड़ी है, इसे कोई नहीं यूज़ करता, मतलब कि फैमिली यूज़ कार है, समझ रहे फैमिली यूज़ है समझ रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की गाड़ी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा जरूर, फिर हमने जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बने भैया करता हूँ कि आपको आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। तो बाकी इसी के साथ अपनी दुआ में यह रखेगा, अपना भी यह रखेगा, एक नई गाड़ी के साथ मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।